आदरणीय पवन खेड़ा जी, अनिल भारद्वाज जी, विजय लोचर जी, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष उपाध्यक्ष मंच पर उपस्थित है सभी का, दिल्ली महिला कांग्रेस की अध्यक्ष अपनी छोटी बहन अमृता धवल का और आप सभी का धन्यवाद करती हूँ कि राहुल गांधी जी ने हम सबके कंधों पर एक जिम्मेदारी सौंपी है और ये जिम्मेदारी हमारे कंधों पर कांग्रेसियों के कंधों पर 102 साल के बाद दोबारा से आग खड़ी है। याद करिए 1918 जब महात्मा गांधी जी और सरदार पटेल ने सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की थी। क्या था, क्यों जाना पड़ा हमें चंपारण बिहार, वहां से गुजरात के खेड़ा में क्यों जाना पड़ा, क्योंकि अंग्रेजों की तानाशाह सरकार ने किसानों के ऊपर 23% कर लगा दिया था। किसान तराई तराई कर रहा था, सूखा था देश में, हैजा फैला हुआ था, जैसे आज कोरोना महामारी से हमारा देश और किसान झेल रहा है। पर एक काम पे जो अंग्रेजी तानाशाह शासन के उस पे नहीं देख रही थी, उसका विरोध हुआ, चंपारण से खेड़ा पहुंचे, खेड़ा में जाकर आज भी हमें बात है 11 मार्च 1918 को सरदार पटेल जी और महात्मा गांधी जी वहां के डीएम को मिले, लेकिन डीएम ने उनकी बात को सुनने से अनदेखा कर दिया। आज भी जो किसान बिल है वो पूरी तरह से इन तानाशाहों के हाथ में चला जाएगा। ये कैसे जाएगा ये मैं और पवन खेड़ा जी आपको बताएंगे। उसके बाद 22 मार्च को सत्याग्रह शुरू हुआ, आंदोलन हुआ, गांधी जी ने किसानों से आह्वान किया कि जिस किसान की खेती 1/4 से कम हो वो 23% कर देने से इनकार कर दे। ऐसा होना शुरू हुआ, किसान 1/4 से कम खेती कर पा रहा था, अपना 23% कर नहीं दे पा रहा था और कानून था कि अगर किसान कर नहीं देगा तो उसकी जमीन हथिया दी जाएगी। और ये काम अंग्रेजों ने तानाशाह सरकार में शुरू किया, लाठियां चली, आंदोलन हुए, लेकिन तानाशाह सरकार को अंग्रेजों की 27 जून 1918 को आज से 102 साल पहले झुकना पड़ा, कानून वापस लेना पड़ा और किसानों की हत्याई हुई जमीन को वापस करके कर को खत्म किया। आज मैं आपसे कह रही हूं कब आया था ये कानून अध्यादेश, 5 जून 2019 में ये अध्यादेश, जब तालाबंदी थी, कोरोना काल था, कोई चर्चा किसी से नहीं कर पा रहे थे और 5 जून को केंद्र की भाजपा सरकार कैबिनेट की मीटिंग बुलाती है और उस मीटिंग में इस अध्यादेश को थोप देती है देश पर। किसी को पता नहीं चलता कि किसानों के कानून लाए गए हैं, थोप दिए गए हैं, लेकिन मजबूरी थी, अध्यादेश को एक समय सीमा के अंदर देश की पार्लियामेंट के पटल पर रखकर चर्चा करके उसे पास करके कानून में तब्दील कराने का दबाव था। लेकिन जब यहां पर भी आई तो कहा गया कि प्रश्नकाल नहीं होगा, कोरोना का महामारी का बहाना लगाया, कोई चर्चा ना 5 जून से पार्लियामेंट में बिल बुलाने से पहले हुई ना उसके बाद हुई, कोई चर्चा नहीं हुई, उस कानून को आपको हम पे देश के ऊपर थोप दिया गया। क्या कहता है ये कानून, इसमें साफ लिखा है कि किसान के साथ अगर अत्याचार अन्याय होगा तो किसान कोर्ट कचहरी अदालत नहीं जा पाएगा, ये अधिकार नहीं है, कहा जाएगा डीएम के पास जाएगा, डीएम के पास जाएगा, पूंजीपति अपने वकील करेंगे, किसान का वकील कौन होगा, और डीएम के पास पूंजीपति जो है उनको 7 दिन की सुनवाई का समय है, लेकिन हमारा किसान को 30 दिन का समय सुनवाई के लिए दिया गया है। ये कैसा भेदभाव किया जा रहा है। आप एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानून में डालने को क्यों तैयार नहीं है, ये बात आज राहुल गांधी जी हो, देश हो, सब पूछ रहा है, क्या मजबूरी है आपकी। जैसे अभी सोलंकी जी ने बताया कि धान का 1400 से 1500 प्रति क्विंटल जो है वो जो रेट मिल रहा है, जबकि उसका रेट 2000 है। अभी हमने कल पीलीभीत के डीएम को देखा, अगर वो डीएम मंडी में ना उतरता तो किसान जो अपना गेहूं लेकर आया था जिसमें नमी थी वो बताया जा रहा था वो खरीदा नहीं जाएगा, और निजी हाथों में 1100-1200 का और सरकारी मंडी में 1800 की इसकी कीमत थी, लेकिन सरकारी मंडी में ताला लगा दिया ताकि मजबूरी में वो निजी हाथों में कम दामों पर एमएसपी से भी कम दामों पर बेचने पर मजबूर। मैं आपसे कहूंगी समझिए इस कानून को, भाग्यशाली है हम कि 1918 में भी एक गांधी खड़े थे, एक पटेल खड़े थे और आज 2020 में भी एक गांधी जिसका नाम राहुल गांधी है। तो हमारे लेकिन राहुल गांधी जी पंजाब से हरियाणा तक आपने देखा किस तरीके से किसानों के बीच में ट्रैक्टर रैली करके निकले,
वहीं पर जब पंजाब के किसानों को केंद्र की मोदी सरकार और कृषि मंत्री ने बुलाया तो क्या मिले उनसे? नहीं मिले। उनको बुलाने के बाद दिल्ली में अपने कृषि मंत्रालय में बुलाने के बाद कृषि मंत्री प्रधानमंत्री के पास समय नहीं था मिलने का। किसान नाराज हुए, बिल की कॉपियां फाड़ के निकल गए। काले झंडे वाले किसान दिखा रहे हैं, हिम्मत नहीं है कि वो रैलियां कर पाए। तो आपसे कहूंगी, ये किसानों की, देश के अन्नदाताओं की लड़ाई है। आज राहुल गांधी जी ने कल ट्वीट किया कि देश की अर्थव्यवस्था बांग्लादेश, हमारे कॉम्पिटिशन, हमारी प्रतियोगिता तो अमेरिका और चाइना से थी, लेकिन आज बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था भारत से कहीं गुना बेहतर कर रही है। इतना ही नहीं, आज कोरोना काल के दौरान किस देश ने बेहतर किया है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उनसे कहीं बेहतर जो है कोरोना काल से लड़ने में कामयाब हुए। आज सीधा हमला राहुल गांधी जी पे बोला जा रहा है क्योंकि जवाब नहीं है। शुरुआत नेहरू जी से करते हैं, इंदिरा जी से होते हुए राजीव गांधी जी से होकर राहुल गांधी जी पर आकर रुकते हैं। क्यों? क्योंकि जो सवाल किए जा रहे हैं उसके जवाब नहीं है, इसलिए पूरा हमला मात्र गांधी परिवार के ऊपर डाल दीजिए। मुझे खुशी है कांग्रेस की अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी ने हमारे पूरे देश में चार जगह अपनी सरकार है, पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और पांडिचेरी में। दो जगह हमारे सहयोगी दलों की सरकार है, महाराष्ट्र और झारखंड में। हमें गर्व से बताना चाहिए देश में जाकर कि श्रीमती सोनिया गांधी जी ने जहां जहां कांग्रेस की सरकार है वहां के मुख्यमंत्रियों को ये कह दिया है कि अपनी अपनी विधानसभाओं के सत्र बुलाइए और उस सत्र में किसान संबंधी काले कानून को, प्रस्ताव को रद्द करके, निरस्त करके मोदी की टोकरी में। आज मुझे खुशी है पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने इसकी घोषणा करने के साथ साथ पंजाब का विधानसभा सत्र बुला लिया और सबसे पहले शुरुआत पंजाब से इस काले कानून को निरस्त करने की जो है वो की जा रही है। मैं आप सभी से कहूंगी, एक रहिएगा, मजबूत रहिएगा। देश बहुत बड़ी चुनौती से गुजर रहा है, बहुत बड़ी चुनौतियों से गुजर रहा है। इसमें हमें गरीब, मजदूर, किसान को मिलकर बचाना होगा। आज हमें मालूम है कि मीडिया पूरी तरह से बिका हुआ है, रोज एक एजेंडा लेकर उसे चलाया जाता है, किसी तरह भी ध्यान भटका दिया जाए जो हमारे असल मुद्दे हैं। मैं आपसे हाथ जोड़कर कहूंगी, कांग्रेस को इस देश के लिए, इस देश के अन्नदाताओं के लिए, किसान के लिए एक बार फिर उठ खड़े होना होगा, ताकि 102 साल पहले 1918 में जो सत्याग्रह, जो किसानों की, जो अन्नदाताओं की लड़ाई लड़ी थी, हम 102 साल बाद एक बार फिर उसे दोहराएंगे। 5 जून को यह अध्यादेश निकाला, कानून लाया गया, ध्यान से सुनिएगा, 27 जून था वो, 27 जून 1918 था वो, जब अंग्रेजी सरकार झुकी थी, कर वापस लिए थे, किसानों की जमीन वापस लौटाई थी और न्याय हुआ था। आज मैं कहती हूं 2021 27 जून को अगर देश में इसी तरह कांग्रेस किसानों के लिए खड़ी हो गई, वो दिन होगा कि ये इस तानाशाह सरकार को भी झुका देंगे। 27 जून 2021 को आप लाए थे तो हम 27 जून को सेम उसी दिन इतिहास को दोहरा के दिखा देंगे कि कांग्रेस जब खड़ी हो जाती है तो कोई तानाशाह उसके सामने खड़ा नहीं रह सकता है। मैं आप सभी को बधाई देती हूँ, बहुत कामयाबी से पूरे देश भर में किसानों की इस आवाज को कांग्रेस श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में उठाने में कामयाब हो रही है। मैं आप सभी को शुभकामनाएं, धन्यवाद देती हूँ और यही आप सबसे दुआएं और प्रार्थना करूंगी कि महामारी खत्म नहीं हुई। अपना, अपने परिवार का ख्याल रखिए। मेरी शुभकामनाएं, जय हिंद, जय भारत।